पहले तो मैं अपने ओर से और अरुणाचल सरकार की ओर से कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूँगा ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब, जो बहुत ही डायनामिक रोल प्ले करते हैं, और साथ साथ जितने भी जो पावर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिशियल्स को, कि आप सभी लोगों का आज मेहनत के कारण से ये ऑनलाइन पेमेंट का 16 एडिशनल टाउनशिप्स में हम लोग ने रोल आउट कर पाया है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का मूवमेंट जो शुरुआत किया है, तो 2014 से लेके अभी 2023 करीबन 9 साल, इसमें आप देखिए कि अपना देश कितना ट्रांसफॉर्म हो चुका है। डिजिटली हम लोग, टेक्नोलॉजी हम लोग बहुत आगे हम लोग बढ़ चुका है। आजकल भारत सरकार के जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में हो, सारा चीज डीबीटी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स के माध्यम से सारा रोल आउट हो रहा है। और अरुणाचल प्रदेश बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेट इन द एंटायर कंट्री, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमारे यहाँ पे सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी भी हुआ करता था। मगर आज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के मुताबिक हमारा अरुणाचल प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में बहुत एग्रेसिवली डिजिटल को जोड़ने का प्रयास हुआ है। तो आज आप लोगों का अपना पावर डिपार्टमेंट का जहाँ जहाँ ये ऑनलाइन पेमेंट रोल आउट कर रहा है वो पूरा डिजिटली कनेक्टेड है। और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा, पावर डिपार्टमेंट को भी, भारत सरकार के साथ में मिलकर हम लोग और भी इसको डिजिटल कनेक्टिविटी का रीच और भी हम लोग गाँवों तक हम लोग लेके जा रहा है। तो साथ ही साथ आज का इस शुभ अवसर में मैं आप पावर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को ये भी बोलना चाहेंगे कि बाकी के जो रिमेनिंग हमारा जो बॉर्डर जो अर्बन टाउन्स है उसको भी आप लोग जल्दी ऑनलाइन में मोड में शिफ्ट होके लेके आना चाहिए। और डिजिटल का अभी आप सबको जिसे कहा कि पीएम साहब के लीडरशिप में आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, इवन मार्केट में भी जाओ पूरा गूगल पे हो जाता है, यूपीआई जो पेमेंट हो जाता है, काफ़ी सुविधा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि पुराना अगर सिस्टम में देखा जाए तो बिल घर में पहुंचाता है, फिर वो घर से फिर वो ऑफिस में जाके फिजिकली जाके वहाँ पे काउंटर में जाके जमा करना पड़ता है, फिर कभी कभी छुट्टी पड़ जाता है या कभी कभी स्टाफ जो है लीव में चला जाता है तो काउंटर में कोई कभी कभी मिलता भी नहीं है। तो इस तरह का जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जहाँ जहाँ था अभी वो हट गया है। सो अभी हमारा जो कस्टमर्स है, हमारा अरुणाचल के जो जनता है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत सुविधा हो चुका है। आने वाला दिनों में पावर ही हम लोगों का एक मेजर, सबसे मेजर रेवेन्यू अर्निंग सेक्टर होगा। हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो हाइड्रल्स वगैरह जो अभी बन रहे हैं पावर अपना पीएसयूज के माध्यम से, तो लॉन्ग टर्म में ये जितने भी जो हाइड्रो पावर से जो रेवेन्यू आएगा तो पावर सेक्टर अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग सेक्टर होगा। इसके लिए आप लोग टेक्नोलॉजी का साथ में भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आज बताया, डीसीएम साहब ने भी बताया कि इस सिस्टम को और भी स्प्रेड अक्रॉस अरुणाचल में लेके जाने के लिए पावर डिपार्टमेंट को यहाँ पे आईटी एक डिवीजन बोले या एक्सेल जो भी एक चाहिए, तो ऑलरेडी फाइल डीसीएम साहब के वहाँ से मेरा पास आ गया है, तो आज ही मैं उसको अप्रूव करके वापस पावर डिपार्टमेंट में भेज देंगे।